बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 4 से 11 अप्रैल तक बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी सार्वजनिक समारोह में सीमित संख्या में लोगों के शामिल होने का निर्देश भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, सूबे में भी जिस तरीके से कोरोना ने पांव पसारा है उसे देखते हुए अब 4 से लेकर 11 तारीख तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। कोई बड़ी इतना बड़ा फैसला लिया गया और क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है राजीव? देखिए, सीएम जी की बैठक कल मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग से हुई, जहां पूरे बिहार के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हैं, क्योंकि ये बैठक आपदा से रिलेटेड होती है, आपदा प्रबंधक कमेटी ग्रुप की होती है, क्योंकि अगर कोई भी राज्य में आपदा से संबंधित होती है तो ये बैठक बुलाई जाती है। इसके नेतृत्व सीएम खुद करते हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, कोरोना के मामले जैसे कल 800 आए, पिछले शनिवार को आप 600 आए, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी अब कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल बैठक करते हुए एक बड़ा फैसला किया, स्कूल कॉलेज कोचिंग तमाम ऐसे संस्थान जो 4 से 11 तक बंद कर दिए गए हैं, संडे 12 पड़ रहा है तो एक तरीके से 5 से 12 तक का बंद कर दिया गया है, और वहीं जो भी सार्वजनिक स्थल है उनको भी एक तरीके से एहतियातन कोई भी प्रोग्राम कोई भी आप काम नहीं कर सकते हैं। वहीं जब भी अगर आप श्राद्ध हो तो वहां 50 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, शादी में 250 लोग ही जा सकते हैं, और मास्क को लेकर और सैनिटाइजेशन को लेकर जो भी लोग हैं बाहर, अगर सार्वजनिक जैसे आपको मान लीजिए स्थल हो वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं लगा सकते हैं, आपका ट्रक हो बस हो या रेलवे स्टेशन हो वहाँ पर 50% ही कर दिया गया है लोगों को उसमें बैठने का। राजीव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में कहा था कि सूबे में कोरोना की हालत ठीक है, मतलब इतने ज्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन को लेकर कोई विचार नहीं चल रहा है, ऐसी बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी और बाकायदा मुकम्मल व्यवस्था की जानकारी मंगल पांडे ने दी हमें। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार बिगड़ रही है ये जो हालत है कोरोना को देखते हुए, लगातार केसेस में वृद्धि ही हो रही है, कमी नहीं हो रही है, और हाल ही में तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की शुरुआत भी की गई है, 45 से ऊपर के लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन अभी जो केसेस एक दो दिन में अगर हम देखें तो उस आंकड़े में 45 से ऊपर के भी लोग शामिल हैं, जो वैक्सीन ले रहे हैं उन्हें भी कोरोना हो रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहने और करने में अंतर होते हैं, क्योंकि देखिए बात होता है कि कहने हम अगर कह दिए कि हमें कोरोना के अभी बिहार के मामले नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जांच जिस तरीके से तेजी में होनी चाहिए थी वो तेजी से नहीं हो रही थी, लेकिन अब जांच धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन बसेस बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब शादी के भी आ रहे हैं, नवमी रामनवमी आ रही है, कहीं ना कहीं इस जहां सार्वजनिक स्थल पर ज्यादा भीड़ बढ़ती है, ज्यादा लोग आते हैं, तो कहीं ना बाहर से लोग आते हैं तो कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर राज्य बगल के राज्य आपके कोरोना से जूझ रहे हैं, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश आपके मध्य प्रदेश हो गया, आपका गुजरात हो गया और बहुत सारे महाराष्ट्र हो गया, तो कोरोना से तो वो वहां के यहां के लोग वहां भी गए हैं और वहां से लोग यहां आएंगे तो बढ़ेगा। ये कहने से मंगल पांडे के ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भी बढ़े, लेकिन मुख्यमंत्री ने देखा कि अगर 800 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं आज तो ये चिंताजनक है प्यार के लिए, उसी के लिए कल बैठक हुई तत्काल प्रभाव से, रात में बैठक मुख्यमंत्री ने किया, एक नोटिस जारी किया, भाई अब जो भी जिलाधिकारी है उनको एक छूट दी जाती है और जो भी कार्यालय सरकारी कार्यालय में है जो भी वहाँ के प्रबंधक है वो नियंत्रित करेंगे कितने लोग आएंगे हमारे कार्यालय में, कितने लोग नहीं आएंगे, कितने लोगों को छुट्टियां दी जाएगी, ये कहीं ना कहीं लोगों सरकार में डर है और लोगों को भी एहतियातन कम से कम सोचना चाहिए कि जो भी अगर काम ना हो तो बाहर ना जाए, क्योंकि कोरोना महामारी अब जो सेकेंड फेज है वो पहले से ज्यादा प्रभावशाली है और इसीलिए सरकार भी एक तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री कल एक्शन समीक्षा बैठक भी किया है, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से कोरोना बढ़ रही है इसको एक तरीके से देखा जाए कि जी राजीव, एक सवाल हमारा और आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे राजीव, प्रशासन की अब क्या कुछ मुस्तैदी इसमें दिख रही है, क्योंकि अब इस तरीके के जो सामने अब आ चुके हैं और 11 अप्रैल तक स्कूल वगैरह और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं और केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन कितनी अलर्ट अब दिख रही है? सड़कों पर जो लोग घूम रहे हैं, काफी लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं होता है, जुर्माने की बात सामने आई कि 50 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और ये पहले भी चला था लेकिन अब उसका असर फिर से नहीं और लोगों की ढिलाई की वजह से यहाँ पर केसेस में वृद्धि हुई, लेकिन अब प्रशासन की क्या कुछ मुस्तैदी इस गाइडलाइन के बाद सामने आई है राजीव?
देखिए ऋतिक, एक बात आपको बताते, देखिए कहने और करने में अंतर हो जाती है। आप ट्रेनों में भर भर के लोग आते हैं, बसों में लोग भर भर के जाते हैं, कोरोना ऐसे भी बढ़ेंगे क्योंकि देखिए केसेस जो इस तरीके से लोग आप कहने के कि हाँ एक सार्वजनिक सरकारी एक कार्यक्रम होता है उसमें लोग दूरी बना के बैठे, लेकिन बहुत सारे इलाके जैसे हैं जहाँ लोग एक दूसरे में दम असद, आप अस्पतालों में चले जाएं वहाँ बहुत सारी भीड़ है, वहाँ कोई कोरोना की गाइडलाइंस नहीं फॉलो की जाती है, लेकिन सरकार कहती है कि ये करे वो करे और प्रशासन भी अब रोड पे जैसे कल के से देखने को मिला कि अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और तमाम सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो देखिए कहने के लिए होता है कि भाई सरकार कह देती है लेकिन उसको फॉलो कराने में कहीं ना कहीं चूक होती ही है, क्योंकि देखिए वो इतना बड़ा जनसंख्या है उसको नियंत्रित करना भी एक तरीके से लोगों को बताना कि भाई आप अवेयर रहिए, सरकार भी कहीं ना कहीं पहले से मतलब दुरुस्त भले हो लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो अवेयरनेस की कमी लोगों में है। जी 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 राजीव, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।